थायराइड नोड्यूल। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड नोड्यूल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि थायराइड नोड्यूल के कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं और कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड नोड्यूल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर थायराइड नोड्यूल है तो ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि ये कैंसर है। क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई तथ्य है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड नोड्यूल और उसके प्रकार यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर मरीजों को और साथ साथ उनके ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स के लिए एक टेंशन और आगे की जांच पड़ताल करने को लेके आता है। बहुत सी बार थायराइड नोड्यूल जो होते हैं वो कैंसर भले निकलते हैं और इसी के वजह से हर एक मरीज जिनको थायराइड के नोड्यूल होते हैं उनके केस में फुल डिटेल टेस्टिंग करना कंपलसरी बन जाता है। अगर वो नहीं किया तो शायद से हम आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थायराइड कैंसर की डायग्नोसिस को चूक भी सकते हैं। और इसीलिए थायराइड नोड्यूल का समझना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो थायराइड नोड्यूल क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि थायराइड नोड्यूल के कौन से प्रकार होते हैं। अभी हर एक प्रकार जो होता है ना अलग अलग टाइप की थायराइड की प्रॉब्लम में आता है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप का थायराइड नोड्यूल की प्रॉब्लम लेके ही आए, लेकिन थायराइड नोड्यूल को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली थायराइड नोड्यूल के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो थायराइड नोड्यूल जस्ट टू एक वापस ब्रीफ में अगर आप मुझे आपको कहना है तो अगर आपके थायराइड ग्रंथि में गांठ आई है तो इस गांठ को हम नोड्यूल कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो थायराइड का नोड्यूल होता है वो है मल्टी नोड्यूलर गोइटर। यह एक प्रकार का गोइटर है और इसका नाम ही निर्देश करता है, मल्टी यानी कि बहुत सारे, नोड्यूलर यानी छोटे छोटे नोड्यूल्स। मल्टी नोड्यूलर गोइटर में जो नोड्यूल्स जो होते हैं वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं और अक्सर ये मल्टी नोड्यूलर गोइटर जो होता है वो बेनाइन होता है, इसमें कोई कैंसर आने के रिस्क इतने ज़्यादा नहीं होते और इसीलिए मल्टी नोड्यूलर गोइटर का होना अपने आप में कोई एक बड़ा टेंशन वाली बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मल्टी नोड्यूलर गोइटर है तो हो सकता है आपके थायराइड हार्मोन में फ्लक्चुएशन आए और उसके मुताबिक आपको शरीर में लक्षण आए। मल्टी नोड्यूलर गोइटर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वैसे केसेस में आपको उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन का भी सुझाव किया जा सकता है। और अगर आपको डॉक्टर ने मल्टी नोड्यूलर गोइटर या और कोई भी टाइप के गोइटर के लिए थायराइड ग्रंथि की सर्जरी का सुझाव किया है जिसको हम थायरॉयडेक्टमी सर्जरी कहते हैं, तो आप मेरा पूरा थायरॉयडेक्टमी का हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हमने बात की है कि थायरॉयडेक्टमी सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेशन लेने के बाद में जब आप घर पर पहुंचते हैं तो आपको उस दिन होम केयर कैसे करना है, ऑपरेशन के बाद का जो सर्जरी का जो मार्क है उसको कैसे आपको मैनेज करना है, ऑपरेशन के बाद में आपको फॉलोअप में क्या रखना है, यानी कि अगर आपको सर्जरी का सुझाव किया तो पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको थायराइड की सर्जरी के रिलेटेड हर एक सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। थायराइड सर्जरी अपने आप में एक मेजर सर्जरी हो जाती है और इसीलिए इसके बारे में डिटेल में जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये है सबसे पहला नोड्यूल जो है मल्टी नोड्यूलर गोइटर। मल्टी नोड्यूलर गोइटर के बाद में दूसरा जो गोइटर आता है इसको हम कहते हैं सिस्टिक नोड्यूल। जी हाँ, सिस्ट यानी अगर सादी भाषा में अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि पानी भरे गुब्बारे कैसे होते हैं उसमें क्लियर पानी होता है ना, उसी प्रकार जो सिस्ट होती है उसमें क्लियर फ्लूइड होता है और ये क्लियर फ्लूइड भरा हुआ नोड्यूल बन जाता है थायराइड की ग्रंथि के अंदर।
अक्सर ये जो सिस्टिक नोड्यूल जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वाला जो गॉइटर होता है और उसको हम कहते हैं कोलोइड नोड्यूल। कोलोइड नोड्यूल जो होता है ज़्यादा करके जो आपकी थायराइड की ग्रंथि है उसी का ओवर ग्रोथ के वजह से बनता है। अक्सर कोलोइड नोड्यूल अपने आप में कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आता है, ये भी मल्टी नोड्यूलर गॉइटर की तरह बेनाइन होता है, लेकिन बहुत सी बार ये जो नोड्यूल होते हैं उसके अंदर का पानी खींच के हमें उसकी जांचें करनी रहती है ये जानने के लिए कि क्या ये सच में बेनाइन है या इसमें कोई कैंसर आने के चांसेस है या नहीं। तो ये है सिस्टिक नोड्यूल में सबसे पहला था कोलोइड नोड्यूल। उसके बाद में जो दूसरा नोड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक नोड्यूल। हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग, यानी कि रक्त का प्रभाव। बहुत सी बार क्या होता है कि नोड्यूल जो थायराइड की ग्रंथि जो होती है उसमें जहाँ पे नोड्यूल बने हैं वहाँ पे नई नई खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स बनती है, और बहुत सी बार ये जो नसें होती है ये बहुत ही डेलिकेट होती है, और उसके वजह से अगर कुछ ट्रॉमा या मार लग जाए तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स टूट के रप्चर होती है और उसके जैसे छोटी मात्रा में खून जमा हो जाता है, तो यही खून को हम कहते हैं हेमरेज। और बहुत सी बार ये जो नोड्यूल होते हैं उसके अंदर क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है और साथ ही साथ कुछ छोटी मात्रा में इकट्ठा हुआ रक्त भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं हेमरेजिक नोड्यूल। अगेन हेमरेजिक नोड्यूल अपने आप में कोई इतना चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आगे की जांच पड़ताल करानी पड़ सकती है। तो सिस्टिक नोड्यूल में ये दूसरी वैरायटी थी वो है हेमरेजिक नोड्यूल। फिर जो नोड्यूल्स आते हैं उसमें एक स्पेशल वैरायटी है जिसको हम कहते हैं एडिनोमा। एडिनोमा जो होते हैं ये भी ज़्यादा करके बेनाइन ही होते हैं, लेकिन एडिनोमा तब होता है अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि अगर बढ़ने लगती है और उसके वजह से ज़्यादा मात्रा में अगर हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है तो इसको हम एडिनोमा कहते हैं। ज़्यादा करके जो एडिनोमा जो होते हैं मोस्टली बेनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट पोटेंशियल उसमें काफ़ी कम होता है। तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ द नोड्यूल जिसका नाम था सिस्टिक नोड्यूल। तीसरे जो नोड्यूल्स होते हैं इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून नोड्यूल, और ज़्यादा करके जो ऑटो इम्यून वाले जो नोड्यूल्स होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी होते हैं क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आया हुआ था, और क्योंकि इसको हम ऑटो इम्यून नोड्यूल कहते हैं ज़्यादा करके ऑटो इम्यून वाले थायराइड प्रॉब्लम्स में आता है, और हाशिमोटोज़ वाला डिजीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। हाशिमोटोज़ डिजीज़, हाशिमोटोज़ थायरॉयडाइटिस, जहाँ पे ऑटो इम्यून की वजह से आपकी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर काफ़ी डैमेज हुआ है और इन्फ्लेमेशन आया है, तो इस तरीके के नोड्यूल्स भी होते हैं। और अक्सर ये नोड्यूल्स जब आते हैं मरीजों को थोड़े बहुत एक्सटेंट पे ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम आते हैं, हो सकता है उनके शरीर में और भी कोई टाइप के ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम्स आ सके। तो ये मेनली तीन टाइप के नोड्यूल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ एक्यूट नोड्यूल्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर इन्फ्लेमेशन आया है, तो जिसको हम एक्यूट थायरॉयडाइटिस कहते हैं। ये तो सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस वैसे केसेस में भी थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आके नोड्यूल्स बन सकते हैं। तो ये तो थे नोड्यूल्स के प्रकार। अब ये देखते हैं कि कैसे आगे की जाँच पड़ताल होती है। तो बहुत सी बार जो होता है नोड्यूल जो होता है मरीज़ को खुद ही दिख के आता है, तो जब वो शीशे में अपने आप को चेहरा धोने के लिए फेस जब भी देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके नेक के एरिया में कुछ गठान जैसी बन रही है, या तो फिर बहुत सी बार दूसरे लोग उनको हाईलाइट करते हैं कि अरे आपके गले में क्या हुआ। वैसे भी बहुत सी बार लोगों को नोड्यूल के बारे में जानकारी आती है, या तो फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ कुछ और जांच पड़ताल के लिए गए थे मेडिकल सेंटर में और वहाँ पे पता चला कि उनको नोड्यूल है। ये पता या तो उनकी ब्लड टेस्ट में हो सकता है, या तो फिर उन्होंने अगर कोई सोनोग्राफी कराई है, या तो फिर कोई एक्सरे कराया तो वहाँ पे भी पिकअप में आता है, और इसीलिए आगे की जांच पड़तालें होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थायराइड का नोड्यूल है तो सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी थायराइड विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही आप जाएंगे वो आपकी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे,
उसके बाद में आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है आपके गले की एग्जामिन करेंगे, थायराइड ग्रंथि की एग्जामिन करेंगे, ये जानने के लिए कि नोड्यूल कितने हैं, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है और उसका टेक्सचर कैसा है, क्या वहाँ पे कोई पल्स रेट या तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें को फिजिकल एग्जामिनेशन में किया जाता है। अच्छी बात यह है कि थायराइड ग्रंथि की एग्जामिनेशन आप खुद भी अपने घर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, थायराइड ग्रंथि की एग्जामिनेशन खुद पर घर पे भी की जा सकती है और उसके लिए आपको कोई महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आईना चाहिए और एक ग्लास पानी चाहिए और आपको आप अच्छा ऑब्जर्वेशन करना है, आप खुद ही अपनी ग्रंथि की जाँच करा सकते हैं। कैसे आप थायराइड ग्रंथि की एग्जामिनेशन खुद ही घर पर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है, बहुत पसंद किया है, आप भी चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, खास करके अगर आपको थायराइड नोड्यूल है तो। तो ये हो गई सेकेंड स्टेप जो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में फिर आ जाती है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जाँच पड़ताल। तो जाँच पड़ताल में सबसे पहले डॉक्टर आपकी खून की जांच कराएंगे, खास करके खून की जांच में आपकी हार्मोन्स की जांच होती है। तो थायराइड हार्मोन की पूरी पैनल होती है, जिसमें हो जाता है TSH वाला हार्मोन, फिर होता है T3 और T4 हार्मोन। ये तीन टेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में तीन एंटीबॉडीज़ की भी जाँचें कराई जा सकती हैं। सबसे पहली है TPO एंटीबॉडी, दूसरी है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और तीसरी है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये तीनों ही एंटीबॉडी की टेस्ट कराई जा सकती है अगर डॉक्टर को ऑटो इम्यून एलिमेंट लग रहा है तो। उसके अलावा आपके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का भी टेस्टिंग किया जाता है, तो उसमें आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ साथ में ESR और HSCRP। ये ESR और HSCRP अच्छी इन्फ्लामेटरी मार्कर की टेस्टिंग है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि क्या आपका नोड्यूल का ओरिजिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी है या नहीं है। तो ये तो हो गई खून की जांच। खून की जांच में आगे की स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब हम नोड्यूल्स की बात करते हैं। तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी का सुझाव करते हैं। अब ये सोनोग्राफी की टेस्टिंग में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो आपकी सोनोग्राफी करेंगे वो काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। आपकी थायराइड की ग्रंथि कैसी है, उसका शेप स्ट्रक्चर कैसा है, जो नोड्यूल है कितने नोड्यूल है, एक है, दो है, ज़्यादा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे है, उसमें क्या कोई खून इकट्ठा हुआ है नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है अल्ट्रासाउंड के स्कैन में। उसके स्कैन के बाद में दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। हर एक नोड्यूल, खास करके अगर नोड्यूल इकट्ठा है, सॉलिटरी नोड्यूल जिसको हम कहते हैं, अगर नोड्यूल एक अलौता है तो वैसे केसेस में नोड्यूल्स की FNAC कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपकी उम्र छोटी है या तो आप बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग है तो वैसे केसेस में FNAC तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर सिंगल सॉलिटरी नोड्यूल और छोटी और बड़ी उम्र, ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ज़्यादा करके मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए सिंगल सॉलिटरी नोड्यूल अगर डॉक्टर को लग रहा है तो FNAC कराएंगे और डेफिनेटली कराएंगे और कराना चाहिए भी। तो ये जो FNAC की जांच होती है कोई ऐसी घबराने वाली जांच नहीं है, बहुत ही आसान जांच होती है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली की जाती है। इस जांच में क्या होता है, जहाँ पे भी आपका जो नोड्यूल होता है उसके अंदर एक सुई पसार की जाती है और सुई के माध्यम से नोड्यूल के अंदर का जो पानी है उसको खींचा जाता है, और ये जो पानी जो खींच के मिल जाता है उसको हम एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ये देखने के लिए कि अंदर का जो पानी था वो सादा पानी है या उसके अंदर कोई कैंसर के ऐसे सेल्स हैं। तो FNAC कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ कुछ केस में अगर नोड्यूल इंटरनल है तो वैसे केसेस में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी FNAC टेस्ट कराई जाती है, वो अगेन आपके केस पर डिपेंड करता है। FNAC की जांच अपने आप में काफ़ी कंफर्मेटिव और काफ़ी अच्छी जांच है और उससे हमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है नोड्यूल के बारे में। उसके बाद में और एक प्रकार का स्कैन हो सकता है, अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड का स्कैन।
अब ये थायराइड स्कैन जो है ना, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है कि थायराइड स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग होती है, कैसे रिपोर्टिंग पढ़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, क्या रिपोर्टिंग अच्छी होती है और कौन सी रिपोर्टिंग ख़राब होती है, ये पूरा डिटेल में हमने थायराइड स्कैन के ऊपर अलग वीडियो बना है। अगर आपने थायराइड स्कैन कराया है या करवाने वाले हैं, या तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो उस वीडियो को देखेगा। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो ये है थायराइड स्कैन। तो ये सभी टेस्टिंग जो होती है थायराइड नोड्यूल में कराई जाती है। अगेन ब्रीफली मैं आपको वापस रिवाइज करके बता देती हूँ कि थायराइड अगर नोड्यूल है तो क्या क्या टेस्टिंग होगी। सबसे पहली होगी मेडिकल हिस्ट्री, दूसरा होगा फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपके डॉक्टर करेंगे, या तो आप खुद ही घर पर भी कर सकते हैं। तीसरा होता है आपके खून की जांच, चौथी होती है अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, पांचवा होता है FNAC वाला टेस्ट, और छठा है वो है थायराइड स्कैन। प्लस माइनस कुछ ना कुछ टेस्टिंग आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस में एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये है थायराइड नोड्यूल के डिफरेंट प्रकार और थायराइड नोड्यूल की कैसे जांच होती है। अगर आपको थायराइड नोड्यूल आया है तो सबसे पहले घबराइए नहीं, लेकिन हाँ, पूरी की पूरी जांच डेफिनेटली कराइएगा, और जब तक जांच के रिजल्ट्स नहीं आते अननेसेसरी पैनिक में नहीं होइए। मोस्ट ऑफ द टाइम थायराइड नोड्यूल्स जो होते हैं बेनाइन होते हैं, लेकिन एक आधा भी कैंसर वाला केस छूट ना जाए, और इसी के वजह से अक्सर हम पूरी डिटेल एनालिसिस कराते ही हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो के बाद में आपको कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर आपको थायराइड नोड्यूल है या तो थायराइड के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।